नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करते हैं गुरु चांडाल योग के बारे में। गुरु चांडाल योग के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आज एक अच्छी जन्म कुंडली मेरे पास आई है जिसमें एक गुरु चांडाल योग का मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है गुरु और केतु का। ज्यादातर आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को देखा होगा, ज्योतिषाचार्यों को और किताबों में, कि गुरु चांडाल योग को वो एक बहुत बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट मानते हैं, उसकी शांति कराई जाती है, क्योंकि राहु और केतु जो है वो ज्योतिष में नेगेटिविटी के लिए ही दर्शाए गए हैं। जबकि मेरा मानना है कि जीवन में अगर किसी को भी कोई भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि रातों रात या उस इंसान के अंदर मतलब ऐसा बदलाव, बदलाव का मतलब ये हुआ कि जो जातक सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह का जीवन यापन कर सकता हूं, उस लेवल पे ले जाने वाले दो ग्रह हैं राहु और केतु। क्यों है इतने उपयोगी? क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक ये दो या तीन ग्रहों का नहीं, कम से कम 6-7 ग्रहों का रिजल्ट देते हैं। क्योंकि इनके ऊपर, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनके ऊपर जिनकी दृष्टि आई उनका भी रिजल्ट देते हैं, जिसकी राशि में बैठ गए उसका रिजल्ट देते हैं। तो केतु और राहु जो बड़े योग कारक है, इनको नेगेटिव नहीं माना जा सकता। हाँ, इनके गुण नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होते हैं कि आप उनको देखते ही उनको एकदम नेगेटिव मान के उनकी शांति कर दो, ये गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11वें भाव के अंदर गुरु महाराज उच्च के हुए हैं और केतु देवता के साथ है। केतु देवता जो है वो 9.39 यानी 9.39 डिग्री पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में। पुष्य नक्षत्र जो शनि देवता का है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है शनि, जो ये बहुत योग कारक है इस जन्म कुंडली में। और आप देखिए गुरु और केतु का गुरु चांडाल योग बना हुआ है। गुरु और राहु का भी गुरु चांडाल योग होता है और गुरु और केतु का भी गुरु चांडाल योग है। गुरु चांडाल योग को जो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये जो जातक जो होता है वो अनसक्सेसफुल रहता है अपने किसी भी कार्य में, और उन उसके मतलब कोई भी चीज हो जीवन में वो अधूरी रह ही जाती है। तो क्या ये चीज संभव है या नहीं है, उस पे हम नहीं जाएंगे। हम तो यही देखेंगे कि क्या ये गुरु चांडाल योग जितना नेगेटिव बताया गया है उतना है या नहीं है। अब जातक जो है वो केतु की शांति कर रहा है, तो क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले हम देखिए केतु को रिजल्ट के तौर पे देखते हैं। तो इस जन्म कुंडली में केतु देवता 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव बड़ा ही अच्छा होता है गुरु के साथ है। गुरु जो है वो उच्च के हैं, उच्च के गुरु बहुत अच्छे हैं, और 17.32 डिग्री यानी कि आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा जो नक्षत्र है वो बुध देवता का है। बुध देवता इस जन्म कुंडली के लग्नेश है जो 2nd भाव में बैठे हैं। तो गुरु भी बड़े योग कारक है और केतु भी योग कारक, क्योंकि केतु देवता जो है वो पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का मालिक शनि देवता जो है वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, बड़े अच्छे हैं। 4th हाउस अच्छा होता है और उनकी जो राशि है वो 5वें और 6ठे भाव में आ रही है। 5वां भाव इंटेलिजेंसी का है, दिमाग का है, तेज ऊर्जा का है, हमारे अंदर प्यार मोहब्बत और हमारी जो भी एजुकेशन में हायर जो सोचने की क्षमता है उसका है। और 6th हाउस जो है नौकरी दर्शाता है, डेली वेजेस दर्शाता है। तो 6th हाउस भी इंपॉर्टेंट है, 5वां हाउस भी इंपॉर्टेंट। तो शनि जो है वो यहाँ पे 4थे 5वें और 6ठे तीनों घरों के रिजल्ट दे रहा है, तो काफी योग कारक है। और केतु देवता जो है वो आपके शुक्र के उप नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो शाइन लॉर्ड मून का है, नक्षत्र पुष्य है, नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, और सब लॉर्ड जो है वो वीनस है, यानी कि उप नक्षत्र जो है वो आपका शुक्र है। शुक्र जो है वो 2nd भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि में, तो बड़े ही योग कारक हैं। और उनकी जो 2nd राशि है यानी कि वृषभ राशि है वो आ रही है 9वें भाव में, यानी कि भाग्य के भी मालिक है। तो केतु देवता जो है वो बहुत ही योग कारक हो गए, क्योंकि शनि के नक्षत्र में है। शनि जो इस कुंडली का योग कारक है और योग कारक जगह बैठा भी है। और दूसरा है शुक्र के उप नक्षत्र में, जो शुक्र जो है वो आपका भाग्य का मालिक भी है, धन का भी मालिक है। तो यानी कि ये केतु बहुत योग कारक है। इसकी शांति कराना यानी कि एक तरह से मूर्खता करना। तो इस केतु की शांति नहीं करा सकते आप। केतु बड़ा ही योग कारक रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि केतु जो है खुद नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो लोग वर्क कर रहे हैं, यानी कि
आप यही थ्योरी मान सकते हो कि कोई किसी घर में कोई एक व्यक्ति अगर नेगेटिव है लेकिन उसके घर के बाकी लोग अच्छे हैं, तो लोग उनसे रिलेशन भी रखते हैं कि भाई ठीक है, काफी अच्छे लोग हैं। तो उसी हिसाब से केतु एक, उसका सिर्फ गुण नेगेटिव है, बाकी उसके रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र जो उसका उप नक्षत्र है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, और वो पहले देता है, उसके बाद शनि भी है, उसके बाद केतु है। केतु जो है वो गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु चांडाल योग तो बनता है, लेकिन यहाँ पे गुरु कोई नेगेटिव नहीं है। अगर मान लीजिए गुरु यहाँ पे नेगेटिव होता तो फिर केतु भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता था, लेकिन गुरु यहाँ पे योग कारक है, क्योंकि गुरु जो है वो एक तो उच्च के हुए हैं 11वें भाव में, दूसरा उसकी एक राशि जो है वो चौथे भाव में आ रही है, एक राशि सप्तम भाव में आ रही है, दोनों ही अच्छी जगह आ रहे हैं केंद्र में। दूसरा आश्लेषा नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है, बुध लग्न लॉर्ड है और बुध यहाँ पे सेकंड भाव में बैठे हैं यानी धन भाव में, तो बहुत अच्छा है, धन का रिजल्ट लाभ से जोड़ दिया, यानी कि सेकंड हाउस को 11th हाउस से जोड़ दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट बना दिया। उसके बाद ये जो गुरु महाराज है, ये गुरु महाराज जो है वो बुध के ही उप नक्षत्र में है, दो डबल रिजल्ट दिया बुध का, तो यानी कि बहुत ही जबरदस्त और योग कारक हमें रिजल्ट मिला है। अब देखिए ये तो हुआ कि गुरु चांडाल योग के बारे में, कि गुरु चांडाल योग ने अच्छा रिजल्ट दिया है। अब देखते हैं कि क्या इस जातक को केतु की महादशा में अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस जातक की जो एजुकेशन है, जो बेसिक्स कह सकते हो, यानी कि प्राइम एजुकेशन तो आपको हो गई होगी, उसके बाद जो हायर है, उसके बाद ये जो प्रिपरेशन कर रहा है, ये केतु के पीरियड में की है, और केतु ने यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तभी तो ये आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है। क्यों, क्या केतु इसको उस लेवल पे पहुंचा सकता है? तो एक तो क्या होता है, केतु राहु और शनि, ये क्या है कि उस लेवल की जॉब पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो आईएएस आईपीएस और ये जो हायर लेवल के जो जॉब होते हैं, वो आपकी जो अगर गुरु की महादशाएं, सूर्य की महादशाएं, मंगल या फिर आपके शुक्र की महादशाएं हो, तब आप ये काउंट कर सकते हो कि हमें उस लेवल की हायर अथॉरिटी में जॉब मिल सकता है। केतु की महादशाओं में आपको लोअर लेवल पे ही जॉब मिलने का चांस ज्यादा होते हैं। तो अभी जैसे केतु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा 2021 तक चलेगी, उसके पीरियड में आप ये मान सकते हो कि अभी जैसे हाल फिलहाल में उसको केतु में राहु के अंतरदशा चल रही है, यानी अक्टूबर 2018 तक, तो केतु में राहु इसका मतलब है कि उस जातक को हायर जो भी परीक्षाएं हैं उनमें सफलता मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि चाहे केतु कितना भी योग कारक क्यों ना हो, लेकिन आप ये मानिए कि जो हायर पोजीशन होती है, यानी कि जिनको हम 10वां और 11वां भाव कहा जाता है, यानी कि जो मैनेजमेंट में चली जाती है, वैसी गवर्नमेंट सर्विसेज की जो जो भी नौकरियां हैं उनमें आपको केतु राहु में नौकरियां ऊंचे लेवल पे नहीं मिलती, अगर मिलती है तो निचले लेवल से मिलती है। तो इसलिए इस जातक को वेट करना चाहिए गुरु के अंतरे का, यानी कि जो गुरु का अंतर आएगा यानी अक्टूबर 2018 का, तो उसमें अच्छा चांस बनता है और उस केस में इनका हो सकता है। तो इस जातक को केतु के उपाय नहीं करने चाहिए, केतु को वैसे ही छोड़ देना चाहिए रिजल्ट के लिए, कि भाई वो आए और अपना रिजल्ट दे बस, और उसको गुरु के लिए गुरु का स्टोन पहने, क्योंकि गुरु जो है वो दशम भाव को बहुत अच्छा सिग्निफाई करता है। क्यों करता है कि गुरु आपको लग्न कुंडली में तो उच्च का दिख रहा है, लेकिन निरायण भाव चरित में सेकंड हाउस 10th हाउस में आ रहा है, तो 10th हाउस में गुरु यानी 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 10th हाउस क्या होता है, मैनेजमेंट डिग्री का होता है, हायर अथॉरिटी का होता है, यानी कि एक ऐसा स्टेटस जो बहुत ही अच्छा होता है, यानी लाल बत्ती आप कह सकते हो जिसे, तो ये बड़ी ही अच्छी चीज है। तो आप ये देख लीजिए कि इस जातक को गुरु का पुखराज पहन लेना चाहिए और केतु की कोई शांति नहीं करनी चाहिए, केतु को रिजल्ट देने देना चाहिए जो जैसा रिजल्ट वो दे रहा है, और वेट करना चाहिए अक्टूबर 2018 तक का, कि भाई अब गुरु का पीरियड आए, अब मैं कुछ ट्राई करूं तो मेरा कुछ बन जाए। तो ये जो चीजें हैं ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी योग, योग एक शब्द है जो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो योग है गुरु चांडाल योग, वो बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ज्यादातर लोग उसे नेगेटिव मान लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है। तो गुरु चांडाल योग से डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको फलित करें, अच्छे से फलित करें, उसके बाद आप आइडिया लगाएं कि वो क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग जो है वो पॉजिटिव है और काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और एक और तरीका बता देता हूँ,
अगर कोई भी ग्रह, दो ग्रह यानी कोई भी योग बनाते हैं, उनमें अगर 5 डिग्री 6 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए गुरु जो है वो 17 डिग्री का है, केतु जो है वो 9 डिग्री का, यानी कि अंतराल है 8 डिग्री का, और गुरु जो है आश्लेषा नक्षत्र में, केतु जो पुष्य नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे तो वैसे ही ये योग भंग हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे इस योग की से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी अच्छी जन्म कुंडली है, इसमें काफी अच्छा गुरु चांडाल योग के बारे में था तो मैंने आपको बताया, और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0729697-8417 और मेरा ईमेल आईडी है CYAstrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।